नगर निगम परिसर में स्थित आकाशवाणी केंद्र के जनरेटर कक्ष में शुक्रवार को दोपहर बाद शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने तुरंत आग पर काबू पाने के साथ आग को बढ़ने से रोक दिया। इस संबंध में प्रभारी अग्निशमन अधिकारी रणजीत सिंह ने बताया कि आकाशवाणी केंद्र से आग लगने की सूचना पर तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया गया। आकाशवाणी केंद्र का निष्प्रयोज स्टोर था जिसमें मोबिल ऑयल सहित पुराने फिल्टर मौजूद थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रभारी अग्निशमन अधिकारी रणजीत सिंह ने कहा, अब से थोड़ा सा ऊपर उठा दो, तो ऊपर उठा दो पूरा, नीचे तक गिरे, ऊपर उठा दो पूरा, और ऊपर उठा दो पूरा, दीवार से लड़के नीचे तक गिरे पूरा, धुआं भी फटेगा उससे, धुआं कम हो जाएगा। नीचे है ना, उठा बराबर कर दो।
आग लगने की सूचना CFO महोदय के मोबाइल पर प्राप्त हुई थी। उनके द्वारा फायर सर्विस कंट्रोल रूम को सूचना 1:30 बजे दी गई है। घटना की सूचना प्राप्त होते ही फायर सर्विस से एक फायर टैंकर, मैं कर्मचारियों सहित, जिसमें मैं और लीडिंग फायरमैन सत्यवान सिंह, फायर सर्विस चालक अजय कुमार पासवान, फायरमैन बिंदवासिनी सिंह, सोनू कुमार, रीतेश, अभिषेक कुमार, निर्भय राय आदि अन्य कर्मचारी जो है मौके पर गाड़ी लेकर उपस्थित हो गए। मौके पर आकर देखा तो आग जो है दूर वो आकाशवाणी के ये इस पे जनरेटर रूम में जो है लगी हुई थी, जिसमें निष्प्रयोग जनरेटर पड़ा हुआ था और मूवी आयल भी था, मूवी फिल्टर भी थे जो जल रहे थे। शटर काट करके उठाया गया कर्मचारियों द्वारा और आग को पूर्ण रूप से बुझाया गया। आग को बुझने के पश्चात जो है फायर सर्विस यूनिट जो है घटनास्थल से निरीक्षण करके वापस जाने की तैयारी में है।